अपने एसपीएन 9 न्यूज़, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। जी हां, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बंगाल चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारियां उन तक पहुंचा रहा हूं। बंगाल चुनाव में क्या माहौल चल रहा है, किस राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंच रहा है, इन सभी मामलों पर मैं आपको हर खबर बता रहा हूं, हर जानकारी बता रहा हूं। और एक बार फिर मैं जानकारी लेकर हाजिर हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने दोस्त, अपने सहयोगी अभिनव का इस प्रोग्राम में स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि अभिनव बंगाल चुनाव से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार दे रहे हैं और बहुत बारीकी से बंगाल चुनाव ये कवर भी कर रहे हैं। तो मैं अपने सहयोगी को अपने साथ लेकर आया हूं और ये बताएंगे बंगाल चुनाव से जुड़ी और बहुत ज्यादा स्थितियां। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बंगाल चुनाव में जो सबसे ज्यादा और बेहतर स्थिति है वो बीजेपी की नजर आ रही है, लेकिन बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी को बड़ा झटका, जी हाँ, बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिनेश त्रिवेदी ममता बनर्जी के करीबी बताए जाते हैं और दिनेश त्रिवेदी का बहुत अच्छा वोट बैंक भी है। चुनाव से पहले टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ आना यह बताता है कि बीजेपी की स्थितियां फिलहाल मजबूत होती नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं रिपोर्ट की तरफ चलता हूं। देखिए, जैसे कि आपको बता दूं कि टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद और ममता बनर्जी के करीबी दिनेश त्रिवेदी ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है। त्रिवेदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। 12 फरवरी को इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां पर यह बता देता हूं कि जो दिनेश त्रिवेदी हैं उनका बहुत अच्छा बोलबाला बंगाल में है, और ना सिर्फ बोलबाला है बल्कि उनकी जो लोकप्रियता है वो भी बहुत ज्यादा है। मैं अपने मित्र, अपने सहयोगी अभिनव से समझना चाहूंगा कि दिनेश त्रिवेदी ने आनंद फानंद में ये कदम उठा लिया, टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में आ गए, इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा और टीएमसी को कितना नुकसान होगा, अब आप ये बताइए। देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो दिनेश त्रिवेदी जी हैं वो एक बंगाल के एक बड़े नेता हैं। आप उनका कद का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 2009 में जो माफ कीजिएगा 2011 में जब ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी, तो उस वक्त केंद्र में ममता बनर्जी का रेलवे मिनिस्ट्री थी। उसके बाद केंद्र में ममता बनर्जी की जगह बैठे दिनेश त्रिवेदी, उन्हें रेलवे मिनिस्ट्री दी गई टीएमसी की तरफ से। तो आप उनके बड़े बड़े पद का और जिस तरीके से कितना बड़ा चेहरा है वो बंगाल में, इसका अंदाजा हो जाना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात जो है कि दिनेश त्रिवेदी तृणमूल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहे हैं। उनका बंगाल के कहा जाए कि जो कोलकाता के पास जो बैरकपुर एरिया है उसमें काफी बोलबाला है। और जबकि सूत्र जो बीजेपी के अपने सूत्र ये मानते हैं कि कोलकाता में जो ब्राह्मण वर्ग है उसमें अभी भी जो है बीजेपी पैठ नहीं बना पाई है, क्योंकि ममता बनर्जी ब्राह्मण है और जहां पर जिस तरीके से ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो टीएमसी के साथ जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए अभिनव, जो मेरे मित्र सहयोगी बता रहे हैं कि टीएमसी के साथ जा रहा है, लेकिन अभिनव जी मैं ये जानना चाहूंगा कि बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी के कई कद्दावर नेता, शुवेंदु अधिकारी हैं उनमें से एक, और अभी हाल ही में कुछ और नेता जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में है, और इससे पहले कई टीएमसी नेताओं ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही है? देखिए, हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, जैसा कि बंगाल में हो रहा है। बंगाल में बीजेपी उभरती हुई पार्टी है। यदि बीजेपी के साथ नेता जुड़ रहे हैं और वो एक नहीं अलग अलग कैटेगरी से आ रहे हैं, कोई ग्रामीण बंगाल से आ रहा है और दिनेश त्रिवेदी शहरी बंगाल से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना चाहिए कि बंगाल में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है मजबूत हो रही है और टीएमसी ढलान की तरफ जा रही है, तभी वो नेता जो है वो टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं। और अमूमन मैं बता दूं कि बहुत बड़ी तादाद में जो अभी भी जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं कि वो जिन विधायकों और नेताओं को टिकट नहीं मिला है वो बीजेपी के नेतृत्व के संपर्क में है। यदि आगे यदि ऐसा होता है तो टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि मान के चलिए यदि नेता आएंगे तो उनके साथ कार्यकर्ता आते हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ मान लीजिए 50 से 60, 100, 200, 500 वोट भी जुड़े हुए, तो टीएमसी का एक
एक बहुत बड़ा जो वोट है वो सीधा सीधा तौर पर बीजेपी में जा रहा है। तो ये हमें इस बात को बहुत समझना होगा कि नेताओं का आना बीजेपी में कहीं ना कहीं उगते सूरज को सलाम करने वाली ही बात है। यानी कि उगते सूरज को सलाम करने की बात है। अभिनव जी एक चीज ये बताइए कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि त्रिवेंद्र जो है उन्होंने दिनेश त्रिवेदी उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, और दिनेश त्रिवेदी के बीजेपी में आने से कितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा, कितना वोट शेयर बढ़ेगा, और जो बंगाल चुनाव है उसमें कितनी मजबूत खड़ी रहेगी बीजेपी? देखिए पहले आपको बंगाल की चुनावी स्थिति को समझना होगा कि बीजेपी बंगाल में मजबूत क्यों हुई। देखिए जो बंगाल में 2016 के बाद जो पंचायत चुनाव हुए थे वहां पर टीएमसी ने एक तरफा जीत दर्ज करने की कोशिश की, वहां पर कई तरीके की हिंसा हुई, और कहीं ना कहीं जो है टीएमसी के अलावा जो पार्टियों के नेता थे उन्हें चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण बंगाल में था वो नई पार्टी की एक अलग जग गई कि उन्हें अब एक नई पार्टी चाहिए जो हिंसा को खत्म कर सके। और आप देखेंगे यही बयान की बात, हिंसा की बात दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में कही थी कि वो बंगाल में हिंसा जो हो रही है उससे असंतुष्ट है, यदि वो इस हिंसा को नहीं रोक पाते तो वो यहाँ पे उन्हें कोई बैठने का अधिकार नहीं है। और बंगाल में बीजेपी मतलब सीधा आप इसे हिंसा से जोड़ना चाहते हैं कि बंगाल में हिंसा जो बढ़ रही है उसको देखते हुए दिनेश त्रिवेदी नाराज थे। अभिनव जी मेरा एक सवाल ये है कि बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं ने इस तरह का बयान दे दिया है, दर्शकों ये बात आपके लिए भी जानना जरूरी है कि उनका ये दावा है कि पश्चिम बंगाल में जो 294 सीटें हैं विधानसभा की उसमें से 200 से अधिक सीटें वो लेकर आएंगी, क्या उनके दावे में सच्चाई है? देखिए ये आने वाली वोटिंग पर निर्भर करता है। देखिए बंगाल का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको जिस तरह से बंगाल में स्थितियां चल रही हैं, दल बदलू स्थितियां बनी हुई हैं, नेता कभी टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं तो कभी टीएमसी की तरफ से खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के नेता उनके संपर्क में, ऐसी स्थितियां जो बनी हुई है उसको देखते हुए आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार किसकी जो है वो 200 से ज्यादा सीटें आएंगी, बीजेपी या टीएमसी? देखिए मौजूदा माहौल में देखा जाए तो टीएमसी ढलान पर है और बीजेपी चढ़ाई पर है। यदि बीजेपी के दावों यदि बीजेपी अपनी 200 से ज्यादा सीटें ला पाई तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ ध्यान दे रहा हूँ बंगाल बीजेपी ने प्रधानमंत्री की 25 से 30 रैलियां मांगी थी जबकि उन्हें 20 रैलियां दी गई, प्रधानमंत्री की 23 जिलों के राज्य में 20 रैलियां, ये आपको बताता है कि बंगाल में पीएम मोदी की और जो है वोटों को कन्वर्ट मतलब जिस तरीके से वोट जो डाले जाएंगे उस समय जो वोट ट्रांसमिशन होगा, मतलब टीएमसी के वोट जब बीजेपी में आएंगे या फिर किसी और पार्टी के वोट बीजेपी में आएंगे तो उसके लिए पीएम का चेहरा बहुत जरूरी है। अब ये हमें देखना होगा आगे चल के कि पीएम की रैलियां कितनी सफल होती है, पीएम की रैलियां कितनी सफल होती है। और देखिए मैं अपने सहयोगी से एक बात ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से मैंने प्रोग्राम में इस बात का कई बार जिक्र किया है कि पश्चिम बंगाल के बहुत सी ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर टीएमसी का कब्जा अभी भी बरकरार रखा हुआ है, और खुद एग्जिट पोल के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि उनकी सरकार बनेगी, और एग्जिट पोल भी ये दावे कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, क्योंकि इसकी असली वजह ये भी बताई जा रही है कि प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं, जो रणनीतियां बनाते हैं उनकी रणनीतियां कभी भी विफल साबित नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी की ये जोड़ी एक बार फिर से बंगाल में धमाल मचा जाएगी? देखिए प्रशांत किशोर के ऊपर बात की जाए तो वो एक सफल रणनीतिकार हैं, चुनाव के रिजल्टों ने ये साबित किया है। अब लेकिन ये रिजल्ट समय के साथ चेंज होता है या नहीं या फिर जनता बीजेपी का साथ देती है या नहीं ये समय बताएगा। कोई ओपिनियन पोल इस पर मतलब अपनी राय रख सकता है, शायद उनका अपना आकलन हो, पर लेकिन जो जमीनी हकीकत है दोनों पार्टियों में बराबर की टक्कर है। बंगाल में जब भी हमारे सूत्रों से बात होती है तो लगभग एक अनुमान लगाया जाता है कि किसी सीट पर तो टीएमसी ऊपर है और किसी सीट पर बीजेपी ऊपर है, तो मुकाबला बड़ा तगड़ा है। और ये देखना होगा कि वो जो चुनाव जिस दिन वोट डाले जाते हैं किसका वोटर ज्यादा बाहर निकलता है, किसका वोटर ज्यादा निकलता है। देखिए मैं आपको बता दूं जिस तरह से आप मैच तो जरूर देखते होंगे, मैच के समय एक स्थिति बनती है कि जो दोनों टीमें होती हैं उनकी स्थिति ये कुछ इस तरह से हो जाती है कि मैच रोमांचक हो जाता है, एक रन की जरूरत होती है और एक जो दूसरी टीम
होती है उसको आउट करने की लगी रहती है। तो यहाँ पर जिस तरह से भारत पाकिस्तान का मैच ले लेते हैं वो जिस तरह से दिलचस्प हो जाता है, बिल्कुल ठीक क्या बंगाल चुनाव में भी वही स्थिति है कि बंगाल चुनाव में भी भारत पाकिस्तान जैसे मैच की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए बंगाल में पहली बार बता दूं कि 2011 के बाद से 2016 के चुनावों में भी टीएमसी को किसी बहुत बड़े मजबूत विपक्ष का सामना नहीं करना पड़ा। इस बार जो टीएमसी है वो बिल्कुल ताकतवर विपक्ष से सामना कर रही है जो कि बीजेपी के रूप में सामने है, और बीजेपी के पास अपनी ताकत सिद्ध करने के लिए उनके पास बंगाल में एक अच्छा खासा वोट बैंक है जो उन्होंने 2019 की सीटों 2019 के चुनावों में 18 लोकसभा सीट लेकर हासिल किया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि बंगाल चुनाव किस करवट लेता है। बंगाल चुनाव किस करवट लेगा, मेरे सहयोगी बात कर रहे थे और वो थोड़ा अपने काम में लग गए, आंकड़े देख रहे थे। लेकिन देखिए जैसा कि मैं आपको जानकारियां यहां पर बता ही रहा हूं, और सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार बंगाल में दोनों टीमों के बीच मजबूती आ चुकी है, यानी कि बीजेपी और टीएमसी। कह पाना इतना आसान नहीं होगा कि जीत किसकी होगी, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी का पाला यहां पर मजबूत देखा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दे दीजिए, नमस्कार।